डूज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग रेटिनॉल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सोंधी, एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किन केयर इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाला हूं, रेटिनॉल। रेटिनॉल को स्किन केयर का एक सुपर हीरो कहा जाता है क्योंकि ये एजिंग, पिगमेंटेशन और स्किन इश्यूज से लड़ने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेटिनॉल को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाए? अगर इसे गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा तो स्किन इरिटेशन, रेडनेस और ड्राइनेस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको रेटिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ जो आपके स्किन के रूटीन को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेटिनॉल का क्या काम है? सबसे पहले समझते हैं कि रेटिनॉल आपकी स्किन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। रेटिनॉल विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपकी स्किन के अंदर जाकर कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो आपकी स्किन को टाइट और यूथफुल बनाता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन को स्ट्रांग और इलास्टिक बना के रखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लगता है और स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस और सैगिंग दिखने लगती है। रेटिनॉल इस प्रोसेस को रिवर्स करने में मदद करता है। इसके अलावा रेटिनॉल स्किन के पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। ये आपकी स्किन के सेल टर्नओवर को तेज करता है जिससे डेड स्किन सेल्स जल्दी रिमूव हो जाते हैं और नई फ्रेश स्किन सेल्स आ जाते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाते हैं। अगर आपकी स्किन पर सन डैमेज के कारण डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन टोन है तो रेटिनॉल इन सब प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन बन सकता है। रेटिनॉल यूज करते वक्त क्या क्या करना चाहिए? रेटिनॉल एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसको यूज करने वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे पहले लो कॉन्सेंट्रेशन रेटिनॉल से शुरू करें। अगर आप पहली बार रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार लगाएं। ये आपकी स्किन को एडजस्ट करने का वक्त देगा। धीरे धीरे अपनी यूजेज को बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी स्किन इसके लिए टॉलरेंट बनने लगेगी आप इसका टाइम बढ़ा पाएंगे। 2 से 3 हफ्ते के बाद आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा स्लो और स्टेडी होनी चाहिए। नाइट टाइम में यूज करें। रेटिनॉल को रात में लगाना सबसे बेहतर होता है क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है और दिन में लगाने से सनलाइट इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। इसीलिए रेटिनॉल को अपने नाइट टाइम के स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाएं। रात को आप इसे अपने क्लीन फेस पर लगाएं और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के सो जाएं। रेटिनॉल का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है ड्राइनेस। इसे काउंटर करने के लिए रेटिनॉल के बाद आप एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो दिन में सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। रेटिनॉल आपकी स्किन को सनलाइट से और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका फायदा धीरे 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 दिखाई देता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इसे कंसिस्टेंटली यूज करें। रेटिनॉल यूज करते वक्त आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए? रेटिनॉल को मॉर्निंग में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये एक लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है। इसे सिर्फ रात में लगाएं। रेटिनॉल और विटामिन सी को साथ में यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो रेटिनॉल का यूजेज अवॉइड करें। अगर आप किसी लेजर ट्रीटमेंट, केमिकल पीलिंग या वैक्सिंग के लिए जा रही हैं तो भी रेटिनॉल का यूज करना बंद कर दें। रेटिनॉल का मोर इज बेटर फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। ज़्यादा लगाने से आपकी स्किन में इरिटेशन, रेडनेस और फ्लेकीनेस हो सकती है। तो इन कंक्लूजन, रेटिनॉल एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को एंटी एजिंग बेनिफिट्स दे सकता है, पिगमेंटेशन को भी कम कर सकता है। अगर आप किसी भी स्किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल।